दे दे उनको बाइक, जाने दे, दे दे बाइक चाहते दे दे। मैं कहा तुझसे बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं है। और शुक्र है फिर उसने मेरी बात मान ली, वो रुक गया। वो जैसे ही बाइक लेके निकले ना, तो वो लोग ना मतलब सीधा रोड था लेकिन वो लोग उल्टी साइड पे निकल गए गली की तरफ। तो उसके बाद ना हम लोगों ने काफ़ी लोगों से मदद मांगी है, गाड़ी वालों को रोके हैं, बाइक वालों, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था रहा। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, कोई हमें बिठा कर। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। और कल शायद वीडियो में सही से बना नहीं पाई, डिस्क्राइब नहीं कर पाई कि कल हुआ क्या था। शायद काफ़ी लोगों को समझ आया, काफ़ी लोगों को नहीं आया, ठीक है। तो वो भी मैं कुछ बता देती हूँ, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, कल ऑलरेडी बता दिया था। और इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ कि रात को नींद नहीं है, लेकिन इस चीज़ का सुकून है कि खुदा ने बचाया है, खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, ठीक है। तो हैपन तो लाइफ में होते रहते हैं, देखो अगर हम कहीं जाएँ वहाँ भी हो सकता है, घर बैठे भी हो सकता है, हम इस वक्त कहीं भी सेफ नहीं है। लेकिन ये है कि एक लाइफ है, लाइफ में हो जाता है ऐसे। तो मेरे साथ तो घर फर्स्ट टाइम था, रोमी के साथ भी फर्स्ट टाइम था, तो अंदाज़ा नहीं था हमें इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बता दूँ, घर का काम जो है ना वो स्टार्ट हुआ हुआ है। तो आज तो इंडिपेंडेंट डे है, मेरे तो सब सबको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। और दूसरी बात ये कि अभी मतलब ये सारा जो है ना कल पिंकवा देंगे, ठीक है। उसके बाद कल से जो है ना पेंट वगैरह स्टार्ट करवा देंगे, साथ ही पेंट होगा, साथ ही वॉशरूम का दरवाज़ा भी लग जाएगा, ठीक है। और कर्टन्स वगैरह लाकर सब रेडी कर दूंगी मैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती, ऑलरेडी इतना हैपन हो गया है। हम मतलब हमारा जो है ना कल खड़े खड़े 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हमारी 125 थी, मेरा आईफोन था, ठीक है, 11 प्रो मैक्स था, जो कि 1,80,000 का लिया था मैंने। और बाइक थी जो कि हमने 1,40 की ली थी, ठीक है। तो हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। तो काफ़ी सारे लोग बैड कमेंट्स कर रहे थे कि तुम बाहर निकलती हो, फिरती हो, तो ऐसे है तो वैसे है। देखो आती जाती हूँ, सबको पता है किसी से कुछ हाइड नहीं है, ठीक है। काम से ही निकलती, बेफालतू नहीं निकलती। और किसी ने ये भी बोला कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो इसलिए तुम ऐसे आवारा माँ बोलते, तुम पर पाबंदी लगाते हैं। तो जब मेरी माँ थी तब भी मेरी ज़िंदगी आज़ाद थी, जहाँ जाती थी मेरी माँ को पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाती। हाँ, लेकिन पेरेंट्स के होने से, बड़े के होने से ये कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थोड़ा प्रेशर भी होता है बच्चों पर, ये भी है। लेकिन ऐसा है कि रात को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। तो मेरे साथ मेरा कज़न भी था, तो फिर हम लोग आ रहे थे डिफेंस वाली साइड से, सीवी वाली रोड से। तो पता नहीं चला, हम लोग आपस में बात करते, रोमी के हाथ में मेरा मोबाइल था, अपना फ़ोन भी था, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। और टाइम भी जो है ना मतलब इतना कोई लेट आवर नहीं था, जब टाइम था 11:15 बजे का, ठीक है। तो अक्सर हम लोग आते रहते हैं उस रोड से, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो एकदम से एक बाइक थी, एक बाइक पे दो बंदे थे, तो उन्होंने आकर ना मतलब हमारे आगे बाइक रख दी, ठीक है। और मेरे कज़न चला रहा था, तो उसने ना मतलब जो चोर था उसने ना चाबी निकाल ली। तो हम लोग तो एकदम से परेशान, पता नहीं क्या हो गया है, कौन है, मतलब एकदम मेरा माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, समझ ही कुछ नहीं आया। क्योंकि अक्सर फैंस भी मिल जाते रास्ते में, वो मैं ऐसे रोक लेते, तो मेरे से फ़ैन है कि जब चाबी निकाली ना तो मैं बहुत डर गई। तो उसके बाद ना फिर ये हुआ कि ना उन्होंने मतलब जो है ना बोला कि साइड पे लगाओ गाड़ी, ये वो। तो रोमी बाइक नहीं दे रहा था उनको, बाइक लेके जाना चाह रहे थे। रोमी ने उनको फ़ोन दे दिया, रोमी बोला फ़ोन ले जाओ लेकिन बाइक छोड़ दो हमारी। तो हम लोगों ने बहुत शौक से 125 ली थी, क्योंकि उसको भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, और इंसान ज़ाहिर सी बात अपनी चीज़ें शौक से ही बनाता है। तो हम लोगों ने बहुत शौक से वो बाइक ली थी। और फिर मतलब ना रोमी ने बहुत बहुत कन्वेंस किया उनको कि मत लेकर जाओ, लेकिन वो बार बार ना गन दिखा रहा था, उनके पास गन थी, ठीक है, बार बार पिस्टल दिखा रहा था हम लोगों को। तो मैं ना रोने लगी। मैंने फिर ना उनके आगे भी जो चोर थे उनके आगे हाथ जोड़े, मैं रोई, मैंने बोला आपको जो लेके जाना भाई आप ले जाओ, लेकिन ना रोमी को कुछ मत बोलो, मेरी बेबी को कुछ मत बोलो। उस वक्त मेरी यही लव्स थी कि उसको कुछ मत बोलो। और मैंने रोमी के भी हाथ जोड़े कि छोड़ दे, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तुझसे बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा काम आता है, ना फ़ोन काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता, आपके अपने भी काम नहीं आते सिवाय आपके साथी के। आपका साथी जैसा भी होता है, गुस्सा करे, मारे, एक बात कर रही हूँ जर्नली, लेकिन वो आपका साथ देता है अच्छे बुरे वक्त में। रोमी ने मेरा अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। हमारे रिलेशन को 5 साल हो गए, लेकिन पता नहीं चला कि कब दोस्त थे और कब रिलेशन हुआ, कब रिश्ता हुआ। और अब खुदा का शुक्र है शादी का भी टाइम आने वाला है,
और हर चीज़ कर ली है, हर चीज़ की बुकिंग हो गई, सब हो गई, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बाकी है, शादी का लहंगा लेना है और फर्नीचर लेना है, बस सब हो गया, शुक्र है खुदा का सब हो गया। लेकिन सोचे नहीं हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, और सब कल बोल रहे थे कि ना मैं शायद ड्रामे कर रही, जान पूछे कोई भी, देखो किसी को शौक नहीं है कि आकर दुनिया के सामने रोना, और मैंने तो रोना छोड़ ही दिया, मैं नहीं रोती, मैं अपने खुदा के सामने रोती हूँ। तो मैंने सोच रो वो रोई, मैंने रोमी को पीछे खींचा, मैं बोला दे दे उनको बाइक, जाने थे दे दे बाइक चाहते दे दे, मैं कहा तुझसे बढ़ के मुझे कुछ भी नहीं है, और शुक्र है फिर उसने मेरी बात मान ली, वो रुक गया। वो जैसी बाइक लेके निकले हैं ना, तो वो लोग ना मतलब सीधा रोड था, लेकिन वो लोग उल्टी साइड पे निकल गए गली की तरफ। तो उसके बाद ना हम लोगों ने काफ़ी लोगों से मदद मांगी है, गाड़ी वालों को रोके हैं, बाइक वालों, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें बिठा कर हमें आगे तक रोड तक छोड़ दें, क्योंकि हम रोड के बिल्कुल सेंटर में थे डिफेंस वाले, कोई भी हमारी हेल्प नहीं था कर रहा। और मैं लिटरली चलते हुए बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद फिर अचानक से एक रिक्शा आया, उसको हमने रोका, उससे एक भाई बैठा हुआ था, तो फिर उसको हमने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने ना हमें बिठाया और हमें रोड तक छोड़ा, तो रिक्शे वाला बोलने लगा कि आप लोग दो लड़के हो और आप उनसे मतलब ना हाथापाई करते और चीज़ें मतलब अपनी नहीं दे देते, ये वो। मैंने बोला मैंने कहा भाई देखो उनके पास गन थी, और अगर वो शूट कर देते या मुझे नुकसान पहुँचाते या खुदा ना खासा रोमी को नुकसान पहुँचाते, मैंने कहा हमारे लिए हमारी चीज़ों से बढ़ के हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी जो मेरे खुदा ने दी है हमारे लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें तो फिर बन जाएंगी, फ़ोन तो फिर आ जाएगा, बाइक तो फिर आ जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि जो है ना वक्त का कुछ पता नहीं होता, कभी भी इंसान का कुछ भी हो जाता है। तो मैं लिटरली रात से सोई नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मेरा माइंड ऐसे बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल कुछ भी जो है ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन रोमी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई वही है। और जब आप मुसीबत में होते हैं ना, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का तब भी अंदाज़ा होता है कि आप कितना प्यार करते हो अपने हमसफ़र से। तो मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, अपना सब कुछ उस पर लुटाती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, वो मेरा सब कुछ है, और वो मेरे लिए करता है। हम जो करते हैं मिलकर अपनी लाइफ में बना रहे हैं, कर रहे हैं, और अपने को बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत से वो बाइक बनाई थी, बहुत मेहनत से। और हमें तकरीबन 3 हफ्ते हुए थे उस बाइक के पैसे उतारे हुए, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ बाइक लिए हुए, 3 महीने हुए। मैंने अपने कज़न से मैंने बोरो की थी वो बाइक, ठीक है, तो 3 महीने हुए मतलब हमें उसको यूज़ करते हुए। तो 1-2 बार तो वैसे ही मैंने सुना लोग छोड़ते नहीं है, लेकिन ना बस हमें पसंद था, शौक था, हम लोगों ने लिए, पता नहीं था अचानक से ऐसे हो जाएगा। लेकिन मैं उनके आगे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन मैं कहती कि ऐसे मतलब बेहिस लोग होते, इनको तर्स नहीं आता, वो इस तरह से छीन लेते हैं चीज़ें, और किसी से छीनी हुई चीज़ ना ज़्यादा देर अपने पास ही रख सकते हैं आप, चाहे वो किसी का प्यार हो या किसी की कोई चीज़ हो, आप वो नहीं रख सकते। जो चीज़ आपके पास अपनी मेहनत से, अपनी खुशी से आती है ना, वो सदा रहती है, सदा रहती है। तो मैंने तो फिर भी सब्र किया, तो प्लीज़ जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए। इस वक्त ऐसा टाइम है ना मेरे पे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत ज़्यादा। और शादी के दिन है, खुशियों का टाइम है, तो सब अकेले करना आसान नहीं होता। प्लीज़ आप सब दुआ करना कि खुदा मुझे सब्र दे और अपनी शादी अच्छे से गुजार सकूँ, क्योंकि मेरे जहन से ना वो हादसा नहीं निकल रहा, मेरे से वो उनके चेहरे नहीं जो है ना हट रहे।